इसको दोस्त नहीं मिल रही है। ये बता दे काले, बता दे कहाँ था तू? घर एक बार पानी पीने। किसके किसके घर गया? Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. Good morning. कैसे हो आप लोग? I hope अच्छे हो गए। कोई कमेंट नहीं लिखने वाला मेरे को ये फिर भी। But meet mama ji. हेलो बोलो यार, अभी कहानी बताऊंगी। मीट हर जी, ये क्या सोच ले क्या करना है, ये करना है, ये करना है। आज तो मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई थी, नहीं एक दो दिन पहले, अगले पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। नहीं एक सेकंड, पूरी बात बताने दो। पिछली बार आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, शाम में मैंने किसी के साथ व्लॉग नहीं करा था क्योंकि घर में भिड़न हो गई थी हमारी, ठीक है। मतलब इनका पॉइंट ये है कि मैं जिम ना जाऊँ, मेरा पॉइंट ये है कि हम 2 घंटे घर पे ही बैठते हो तो मैं जिम जाऊँ। इस बात पे लड़ाइयाँ हो गई कि वो बहस इतनी सी बढ़ते 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 मतलब 50 अलग चीज़ों पे चली गई। नहीं मम्मी पापा का कहना है कि तुम्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो तुम बस कार्डियो करो, वेट्स छोड़ो। और मैंने इतना प्रोग्रेस करा अभी तक जो मैं डालती हूँ अपने जो भी मेरे को दिखता है, मेरे को पता है मैं 2.5 किलो के डंबल से मैं 10 किलो पे आई हूँ, फिर 15 किलो पे आई हूँ, तो मुझे पता है मैं उठाती हूँ, स्ट्रेंथ मेरी बताती। अब मैं किसी को रैपटा मारूंगी तो समझ तो आएगा बंदे को। तो भी इस पे बहस हो गई थी थोड़ी मेरी और मम्मी, बट अब सब चिल है। मैं कल जाके हग कर लिया, हग रही थी, मैं हग रही थी, मतलब हग है, हग कर लिया। मम्मा ने क्या बनाया आज? दाल और भरमा। बैंगन अभी बन रहे हैं, भर रहे हैं बैंगन। यही सब हो रहा है। अभी मैं जस्ट उठ के सब ब्रश व्रश करके आ गई हूँ, भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं बिस्किट लेके आई हूँ ये वो साले, बट मम्मी कह रही है अब रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, बस जा रही है मम्मी, तो रोटी खा ले बिस्किट पर मत जा। और आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, एक्ने दिखाने वापस, तो एक बार आज शाम में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लगी, 5:30 की अपॉइंटमेंट लिया, पूरा दिन काट के उन्होंने 5:30 की अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट दिया। तो मैंने कहा ठीक है 5:30 आ जाएंगे, तो शाम में जाएंगे, फिर मम्मी और मैं हर्ष जाएंगे, पापा नहीं जा रहे, पापा को थोड़ा हेल्थ फ्रीक है, वो घर संभालेंगे और हेल्थ फ्रीक है थोड़ा। वहाँ जाके मम्मी सब मैं और हर्ष सिक्किम पार्टी करेंगे, आज आपको टेस्ट कराएंगे। हाँ ठीक है, आज मम्मी का चीट डे करा देंगे, वरना मम्मी चीट डे नहीं करती आजकल। लस्सी पीने जा रहा था गाइस, ये लस्सी पीने जा रहे हैं, तो हम भी लस्सी मंगवा रहे हैं, हम भी लस्सी पियेंगे। डॉक्टर के जाना है, थोड़ा सा रिव्यू शिव्यू लेके आना है, तो हम करेंगे, फिर सिक्किम विक्किम गाना है, फिर मतलब पहले डॉक्टर के जाओ एक्ने ठीक कराने के लिए, क्लीन गाने से एक्ने ठीक होता है, फिर डॉक्टर से निकलते सिक्किम में गंद खाओ, फिर ये और आएंगे, तो मेरी तरह मत बनो, बी इंटेलिजेंट, ईट बिफोर डॉक्टर्स, बाद में मत करो रिग्रेट होएगा, पहले खा के डॉक्टर के जाना, फिर रिग्रेट नहीं होएगा, फिर तो खराब हो ही गई ना स्किन। फिर से स्टार्ट हो गया गाइस, अगेन मेरी टांग खिंचाई स्टार्ट हो गई है पतले होने की बात पे, वो तो मेरा स्केड्यूल में बन चुका है। एक बार मम्मी से डोज लेना पतले मोटे के ऊपर, एंड फिर पूरा लगना ही बंद हो गया। मम्मी पहले मम्मी ने ना वैसे स्टार्ट करा था कि इसको पिंच होगी, तो वैसे स्टार्ट हुई थी ये बातें, छोड़ दो वन एडेड कर रही थी, सॉरी। मम्मा ने आज उरट आप बोलना फिर से नहीं बोला जाता भाई, एंड मैं ये सीरियसली फेक भी नहीं करती, उरड उरड उरद होती है, कौन उड़द की दाल, चने उड़द की दाल, उड़द 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 उड़द, अब सही है उड़द, फाइनली चने उड़द की दाल, उड़द उड़द छोड़ो, रोटी दाल चलिए खाएं। इस जैसी बैंगन भी बन गया है, पर हमारा बैंगन तो रूम में बैठा है। हर्ष मेरे को बोलता है, मैं हर्ष को बोलते देख रहा हूँ, बैंगन टाइम गाइस, भरमा बैंगन भी डल चुके हैं, अब प्रॉपर हुआ ना लंच, घी भी डाल दिया मम्मी ने, देसी देसी
ओहो दाल में घी भी डाल दिया, दाल रोटी एंड बैंगन, ये 2000 years later. हेलो जी, शाम हो गई है, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, निकल गए मैं. मम्मी नहीं आई हमारे साथ क्योंकि मम्मी नाराज हो गई क्योंकि 5:30 की अपॉइंटमेंट थी, बट हम 5:15 निकले हैं तो मम्मी को गुस्सा आ गया कि हम इतना लेट क्यों निकल रहे हैं, जबकि वहां पर जाके भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है क्योंकि वो सेटअप वगैरह सब कुछ करते हैं. तो अब मैं मम्मी को बहुत मनाया, चलो 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 चलो, बट फिर नहीं मानी मम्मी. तो मैं और हर्ष आ गया अभी वहां से, फिर वो लोग भी वहीं हैं, साहिल और विशाल वगैरह भी शायद वहीं पर ही हैं. तो अब हम, मैंने कहा कि क्या ही करूं, मैंने मम्मी को इतनी बार मनाया कि चल लो खाएंगे मजे करेंगे, मम्मी का नहीं मैं चाय बनाऊंगी ये है वो है, फिर मम्मी को नहीं मना सकते जब मम्मी अपनी बात पे अड़ जाती है, चाहे कितना कुछ कर लो. मम्मी ने कहा मेरा टाइमिंग से चलोगे तो चलूंगी वरना मैं नहीं चलूंगी. तो मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूं, और एनजीओ वगैरह का भी बहुत कुछ चल रहा है, एनजीओ सिलेक्ट तो कर लिया है बट उसका पर ये प्रॉब्लम है, वो सब मैं बाद में बताऊंगी. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट सही है, अच्छे कॉज के लिए काम करना है, मजे करना है, सेमेस्टर में ये भी काम करेंगे सब काम करेंगे. यार हमारा एक बंदा मिसिंग नहीं है, हमारा एक बंदा मिसिंग है गाइस. आप समझ जाओ मैं आई थी हर्ष के साथ बट हर्ष ही नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई. कौन सी हवाई अपनी, रुको फ्रूट चिल ले रहा है पहले, एक तो मैंगो बताती हूँ. ऑरेंज, एक ऑरेंज फ्रूट चिल ले रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद फ्रूट चिल लेते, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगी. चौथा बंदा मिसिंग कहाँ गया है, तब तक सोचो दिमाग लगाओ. मार हम पीटी खेल रहे हम, मैं इसको मार रही हूँ ये इसको मार रहा, फिर ये मेरे तक नहीं आ पा रहा. शर्म करता है यहाँ. मैंने अभी बोला ना डायलॉग में, तभी जिसको मारती हूँ उसके लिए, मतलब मैं जिसको मारती हूँ तो आगे वाला बंदा मेरे को मारेगा तो मैं उसका सह सकती हूँ, इसलिए मैं उनको मारती हूँ. पता है आगे वाला बंदा मारेगा नहीं, जब भी तू मारती रहती है ऐसा कुछ नहीं है. मैं बचपन से हर्ष को मारती थी, ये तब से प्रोवोक कर रहा है भिड़ाने के लिए. शक्ल और मैंगो खा लो यार, खा लो तुम, आज क्या याद रखोगे. तुम नहीं खा रही, खा रही हूँ यार. ओ यार खा रही हूँ मैं. मैंने आइडिया दिया, मेरे को ही ना खिलाओ बताओ. चोपड़ा तो कैंसिल कर रहा था जब यू टर्न लिया था नीचे क्या. हाँ ये बड़ा मतलब ही है, गाड़ी की अकड़ दिखाता है कभी कभार. सही में अभी कह रहा था मैं उतर रहा हूँ, तुमने जहाँ जाना जाओ ले ले आओ मजे. अब बोल, मैं अकड़ दिखाता तो तुम्हें कहता तुम उतरो, मैंने कहा मैं उतर रहा हूँ तुमने जहाँ जाना जाओ गाड़ी लेके. तो अकड़ गाड़ी करो फिर गाड़ी की, फिर इसको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है इसलिए गाड़ी नहीं देता. पर्सनल पूरी गाड़ी देके भागा हूं भाई, चाबी भी दे जाता ना, गर्मी में मर रहा था मैं, गर्मी का ही काम ठंड है यहाँ कश्मीर में. कश्मीर के बाहर क्या खाया तूने सुबह, कौन सा नशा करा है ये. वैसे दिमाग ऑफ है हमेशा से, दौरे पड़ते हैं यार. वो जो परसों पार्टी में दावत ली थी यार, वो उतर ही नहीं थी. अच्छा घर वालों को भेज दी जाएगी वीडियो, घर वालों के साथ ही तो चल रही. फर्श का वेट करते करते वो अभी तक नहीं आया, उसकी कहानी वही सुनाएगा. इंतजार करते हुए हर्ष को कोई दोस्त छूटे पसीने, दोस्त नहीं मिल गई है. तब तक हमने ऑर्डर कर लिया फ्राइड राइस एंड हर्ष किससे लग रहा है मुझे नहीं पता. पता क्या हुआ, मैं आई अपॉइंटमेंट से नीचे तो इनसे मैंने पूछा कहाँ हो तुम, ये तो ये बैठे हुए थे वहीं पर. फिर कह मैंने कहा हर्ष कहाँ गया, फिर हर्ष कहता वहाँ देख हर्ष की तरफ देख. फिर मैं हर्ष एक लड़की के साथ तो अपने दोस्त के साथ गड़ा, मेरे को पता है कौन है बट मैं इतनी ऑकवर्ड हो गई. फिर मैं हाय हेलो करके आई, मैं क्या बात कर रही हूं, कैरी ऑन. रिश्ता लेने आई थी वो. अबे यार मतलब मैं क्या बात करूं, मतलब लड़की थी भाई वो, पागल है मतलब. अरे मतलब मैं अपने छोटे भाई की दोस्त से क्या बात करूं, इसलिए एक मिनट तेरे को तो इग्नोर कर रहा हूं मैं, इसकी जरा बात सुन लो. हां सुना, क्या कह रहा विशाल. मोहम्मद स्वाद इग्नोर बहुत सही करता है ना, तेरे को देख रहे वैल्यू नहीं है. जिस दिन मैं अपनी पे आ गया ना, हाँ उस दिन तुम्हारा कोई भी सबको अच्छा आ जाऊंगा सबको, और ये रिकॉर्डिंग काम आएगी तेरे
केस करने में, तू जा भी कर, तू भी मत कर यार। चलो खाने दे, मैं अपनी वाली पाया सुन, पहले अब खाने दे, भूख लग रही है, फिर कॉफी तू जा, पहले भी करने सारे को चबा जा, जा तू जा भी करने जा, कोई गरम है सारे को चबा जाऊंगा। ओके रिकॉर्डिंग कर ली, ये काम आएगी केस करने में। चुप रहे, गंदी बात मत करा कर, जब लोगों के पेट खराब होते हैं तो उल्टी बात ही करते हैं, फिर भी उल्टी बातें करते हैं। बोल रहे हैं ना, जिस दिन व्लॉग डल गया उस दिन फिर फोन करके कहेगा भाई ये मैं कल भी नाश कराया यार, मैं वही देख रहा था, फिर फोन करके कहेगा नाश कराया यार, पता नहीं क्या कहा था अपने व्लॉग में यार, फिर फोन करके कहेगा ऐसे ऐसे क्यों डाल यार, ऐसे क्यों बोलते हैं यार मेरे बारे में, मैं तो बोला ही नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, साइल गैंगस्टर कुछ भी आदमी, भगवान पूजा पाठ करने वाला आदमी, नाम मेरा बदनाम कर देंगे, इसलिए बदनाम तो नहीं कर रहे ना, अभी कहने क्यों जा रहा है। हाँ अब बता पीकने क्यों जा रहा है, जा रहा है। एक बार बता गेट क्यों खुला है, खड़ा क्यों है, बैठा हुआ हूं मैं तो आराम से, एक मिनट गेट बंद कर, एसयूवी गाड़ी, ओ गेट बंद कर दे आराम से, कॉम्पैक्ट एसयूवी, हां मोमो खा, अब खा खाना, ये तो क्या शेप हुई पड़े, तो पनीर है, अब कुछ तो खा के दिखा दे एक बाइट, चल आज तेरा यही डर है, तू एक बाइट खा के दिखा दे किसी, गाइस ये चैलेंज हो रही है, ये पढ़ रहा है ना, तो ये चैलेंज हो रही है दोनों, छोले कुल छोले कुल से खा के है, वही तो गुड पॉइंट, ये डाइटिंग नहीं करने दे रहे मुझे, मैं चाहता हूं मेरा ये, अब तू खा के, ये बढ़ने नहीं दे रहे, अब तू एक बाइट खा, चल बहुत होगी तेरी बकवास, लाल चटनी के साथ फुल्लू भाई, सीक्रेट हमें बता, तो सब समझ गए होंगे तेरा सीक्रेट क्या है, कि तू क्यों नहीं खा रहा, 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 बीकानेर में भाई के साथ मीटिंग है यार, भाई की वहीं जाके खाएगा उसके साथ, यस वॉशरूम में करा मिलूं, वॉशरूम में आदि ने अंकल हम नीचे देख देख छोड़ो मैं कल देख के जा रहा, कोई नहीं अब ठीक है, अब तेरी बेइज्जती नहीं कर रहे, अब समझ रहे, अब ये खाना मेरा पैर जला रहा है, एक तो खाना मेरा पैर नहीं जला रहा, तेरा मन जल रहा है, भूख लग रही है, ये विशाल खाए जा रहा है, कि करके सारे मेरे को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मेरा पैर जल रहा है यहाँ पर, ये गर्म पड़ा है, अच्छा इसका डब ये नया स्टार्ट है, बेइज्जती करेगा सबकी, मैं क्यों करूंगा, नहीं कर कर, मैं बंद रहूंगा, नहीं चुप रहे, अब खाना खाते हैं, हर्ष मोमोज खाना, खाना गंदे, ठीक है अब हर्ष का वेट कर ले, इसको देख गू को गू पसंद आएगा, हो गया बस अब खाना खा रहे हैं हम, बकवास मत कर, आ गया ब्रदर हमारा, आ गया गाड़ी दिख रहे हो, लकी नंबर क्या हो गया, दो बाइट खाई थी, इसका नाम लिया और 100 साल जिएगा, अब इसी के मुंह से आप कहानी सुनना, एक आ गया था, किस ले गया था बताएगा नहीं, दोस्त इसके सारे दोस्त पूछना, ये 15 सेकंड किसके साथ काम गया था, हमें हमें छोड़ के विशाल और मैं दोनों यूं सड़क पे बैठे, हर्ष आएगा, मैं भी गई थी, मेरे को नहीं पता हर्ष का है, फिर मैं देखा हर्ष का है, हर्ष तो नहीं आएगा, विशाल छोड़ छोड़ विशाल आएगा, हंसेगा, गाइस देख लो लाल चटनी, लाल चटनी के साथ हुई थी बात, वो ऑलरेडी उसकी चम्मच पे लगा हुआ था, लाल चटनी यार, अबे हटना, ये भी ले लिए, ठीक है ये ले, अरे हटना, खाने को मुंह कर रही है, गालियां देगा मेरे को, कहा गया था ये, तो कहा गया था, मैंने कहा था हंसी निकलेगी बस, शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से, बता मैं गया था घर एक बार पानी पीने, किसके किसके घर गया था और किसके साथ गया था ये बता दे, मेरे साथ गया था, कहां नहीं बता दे, कहां था तू, तू भी पीकर नहीं था क्या, सोच ले सोच ले, ए, तंग मत कर यार, अगले की लाइफ है, प्राइवेसी है, कुछ लेने दे उसे, तू किसी और चीज के लिए कह रहा है बंद करने के लिए, मुझे लग रहा है, अरे नहीं यार अगले को मुझे भी लग रहा है, पेट खराब हो रही है फिर से, अच्छा पेट खराब है क्या, तेरा भी मुझे लगा प्रोटीन प्रोटीन का वो, तू बता दे यार बेटा, तू कहाँ गया था ये तो बता, तू तेरी स्टोरी सुन सुन जान नहीं आ रहा, मैं 14 कॉफी पीने गया था, यहाँ नहीं मिल रही थी 15, यहाँ बंद था ना कॉफी, अभी भी बता, अभी हम जाएंगे, अभी हम आ जाएंगे, मम्मी का भी फोन आया था, जब नहीं था यार वो, मैंने भी देखा था, नहीं बट हम अब भी जाएंगे कॉफी वाले घर, चलो बंद कर दे, कॉफी वाले के पास आ गए यार, एक बार हील मानना, तू तो नॉर्मल रह, जैसे नॉर्मल रह रहा था, अब क्यों पंगे कर रहा है, जनरल रहा,
हमें पंगे लेने दो इधर से। तीनों साइड से अटैक करना गाइस, तीनों साइड से। गाइसों की ऐसी कुछ करा मैंने। कॉफी ऑर्डर कर दी है, कॉफी आ रही है, हम मजे ले रहे हैं इसके। ये फीचर है तो समझ आ रही है। तार तूर तोड़ देगा तू, वो फिर रोएगा। मेरी तार है। क्या कर रहा है इसे? अरे क्या कर रहा है? क्या करूं इससे? रख दे फिर इसको, रख दे इसको। भाई नहीं है उसको, मारो जो पीछे को। मार, तू मार के देखा। भाई नहीं है मेरा वो। पागल है क्यों? मैंने ग्रोवर पीछे पड़े। तू भी कर यार हर्ष। आ कॉफी। क्या कॉफी पे आ के बेचारा। आ कॉफी। जब इसके साथ डोसा लेना था इसने, वो मेरे को डोसा वाले को चार से चार में ले गया। वो बड़ी देर लगा रहा मैं इडली। बात ये बदल रहा है। किसी को कहता है इडली तेरी नहीं है। पीतू पीपी नहीं। अरे पी पी ना और अच्छे से पी। अब पी पाजी कॉफी से। अरे नहीं पी रहे। अरे भाई वो होता है ना, चल बाद में चल जाऊंगा। सुन बेकार नहीं तो नहीं जाना। कॉफी और पिला दी। मुश्किल होता है कॉफी के बाद तो सहन करना। ये तो सच। आज बड़ी है तेरे दे। थोड़ी देर रोक ले। घर तक पहुंच जाऊं बस, घर तक। देखना क्या भागूंगा। मछलियों के साथ, फैन के साथ। मुंह में कॉफी पता के। बात मत हो दोस्तों। हो गया, अब तो सेल पोपट हो गया सब। सर चुप बैठा, बस हो जाए कंट्रोल जैसे तैसे। बोलने को तो बहुत कुछ है पर बोल नहीं पा रहे। दिक्कत हो जाएगी ज्यादा बोलो तो। गाइस अपनी बीस्ट में आ गई हैं एंड दूसरी आगे भी उसकी बीस्ट चल रही है, साथ साथ चल रहे दोनों। घर तक उनको धकेलाते हैं क्योंकि वरना इनका भरोसा नहीं कब लड़ जाए। जस्ट किडिंग, बस फिर ऐसे ही मजे के लिए जा रहे हैं। तो ये अपनी गाड़ी में निकल चुके हैं। सिस्टम क्या है? अच्छी सिटीजन बनूंगा, बेल्ट लगाओ। गुड फॉर यू एंड गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर फैमिली। ये अच्छा हमारा क्या कभी सोचा? मम्मी नाराज हो गई गाइस अगेन। नाराज ही रहती हूँ मैं तेरे से तो। क्या कर दिया यार, पता नहीं। घर आ गए गाइस, बैक होम। कभी सीधे घर ही नहीं आना होता। सीधे घर आए हैं हम, बाहर खाना पीना सबको। पापा हाय, अगली कर गए पापा। मम्मी हाय, नो बाय। तू तू ले आई हो, मैं नहीं। मैं काम कर रही हूँ, व्लॉग एडिट करना, ठीक है? मैं बस अब 50 करूँगा, ऐसा मैं 50 काम करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और क्या बताऊँ कि मैं गई वहाँ पर, उनने मेरा चेकअप नहीं करा। उन्होंने कहा कि अभी ठीक है थोड़ा, अभी एक दो हफ्ता और रुको, अगर ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं तो देखेंगे क्लीनअप वगैरह, वरना अभी के लिए सही चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा वही क्रीम व्रीम लगाओ, अपना करो जो भी है, सनस्क्रीन लगाओ, ये सब करो। तो आई एम हैप्पी, तो मैं जिम भी जा पाऊँगी, जैसे मेरे को फ़ायदा हो रहा है। बट स्टिल, वैसे हमारा फैमिली लंच वगैरह का प्लान बन रहा था, बट अब वो शिफ्ट हो चुका है। हेल्थ फ्रीक्स आ गए हमारे घर में बहुत लोग, तो वो शिफ्ट हो चुका है। तो वो हम कभी अगले हफ्ते जाएंगे या समथिंग जाएंगे। और एनजीओ में हमने दाखिला ले लिया है गाइस, दाखिला। एंड अब उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, पोस्टर्स बनाने हैं, फिर पौधे लगाने हैं। बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे हम, और आपको भी अच्छा काम हम करते हुए दिखेंगे, अच्छी तरह इन्फ्लुएंस करेंगे। और बिल्कुल हम प्रॉपर गुड इन्फ्लुएंसर की तरह काम करेंगे, एंड गुड इन्फ्लुएंसर की तरह इन्फ्लुएंस करेंगे। आप भी अच्छा काम करो। सी हाउ आई एम अ गुड एंड चेंज पर्सन। अभी क्या हुआ, चुप हो जा। हाँ मैं वैसे भी वहीं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, भाव मत खा ज़्यादा, भाव मत खा, तू पाव खा। हम जी, एज आई वाज सेइंग,
कि हम आ रहे थे घर, तो थोड़ा सा कैमरा बन रहा है, थोड़ा सा ये हुआ कि एक्टिवा वाले हमारी गाड़ी में घुसा रहे थे दो लोग, एंड फिर उनसे थोड़ी सी बहस हो गई हर्ष की और मेरी, एंड वो थोड़ा से जो भी मतलब इन शॉर्ट हमारी बहस हो गई फॉर नो रीजन। और फिर वो तो साइड में लगा, मैंने कहा हर्ष को यार चल यार क्यों बेफालतू में पंगा बनाना है, तो हम निकल लिए वहाँ से। हमारी एक्टिवा के सामने ऐसे आ गई, फिर हमें यार ऑब्वियसली तुम जगह इतनी सी भी नहीं थी गाड़ियों के बीच में, बहुत जाम लगा हुआ था, वो बीच में घुसा रहे थे, फिर वो कुछ बोलने लग गए, फिर मैंने कहा चलो अब तो चले जाओ, मैंने ऐसे बोला उसको ऐसे करके कि अब तो हो गया अब तो चले जाओ, फिर उन्होंने मैंने कहा क्या है, फिर क्या है करते ही वो बंदा और थुड़के ऐसे आया, फिर मेरा गर्म हो गया खून फिर हर्ष का भी गर्म हो गया खून, फिर हम दोनों उन दोनों पर भड़के, फिर वो बंदा बोलता घर तो उठा लूँगा, मैंने कहा ठीक है भैया जी अब आप घर पे ही उठाना, मैंने कहा हर्ष को चल भाई बेफालतू में मत्था मारते हैं वहाँ पर, वो लेजिट आई गेस मेरी एज के राउंड होंगे या मेरे से छोटे होंगे या मेरे से बड़े होंगे मेरे को नहीं पता, मेरी एज के राउंड ही लग रहे थे मेरे को, बट पता है यार मतलब बेफालतू के पंगे हो जाते ना, यू नेवर नो इधर की उधर हो जाती है बात, तो मैंने कहा छोड़ यार क्यों बेफालतू की बहस करानी बढ़ानी, अपना भी मूड ख़राब करेंगे उनका भी मूड ख़राब करेंगे, तो मैंने कहा चल फिर बस ख़त्म, एंड ऑफ द स्टोरी ख़त्म। ब्लॉग श्लॉग एडिट करके मैंने अपना बनाना फ्रोज करने के लिए रख दिया था, ये देखो फ्रोजन बनाना जो कि काला हो गया अब एकदम से, पता नहीं कैसे अभी तक तो गोरा था, तो पीनट बटर के साथ खाएंगे अभी थोड़ी देर पहले, ब्लॉग थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ फिर ब्लॉग श्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं गाइस। हाय गाइस रात हो गई है, रात के 12 बज गए, हर्ष भाई साहब जी ने खाना मंगाया है बर्गर किंग से, मैं बस ऐसी सीरीज देख रही हूँ, मैंने कोरियन सीरीज स्टार्ट करी है, अब सोमी तेल लगाना है आजकल सर दोनों ऑब्वियसली सोते हैं हम, तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कल फिर से मिलते हैं जाके दूसरे व्लॉग्स देखो इस व्लॉग के देखने के बाद, बाय बाय गुड नाइट। मैं थोड़ा सा क्रैक हो गया, मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गया क्योंकि मैं ऐसे पड़ी हुई थी, बट सी टुमारो बाय गुड नाइट।